हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनेक्स किंग्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने लाइनेक्स में एक सिक्योर टेलनेट सर्वर को कैसे बना सकते हैं। टेलनेट सर्वर क्यों नहीं, तो टेलनेट सर्वर इतना सेफ नहीं होता है, क्योंकि अगर उस पर कोई भी एन मैपिंग करेगा ना, तो वो पोर्ट बता देगा कि कौन सा ओपन है, और उसमें सारी सर्विसेज बता देगी ये पोर्ट पे ये सर्विस ओपन है। तो मतलब कोई भी इजीली उस पर अटैक कर सकता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल। तो सबसे पहले तो हम इसमें अपना एनमैप इंस्टॉल कर लेंगे। एनमैप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कमांड है यम इंस्टॉल एनमैप, यहाँ पे स्टार डाल देंगे ताकि इसकी जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी अपने आप ले लेगा। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मेरे को ऐसा कुछ ये शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और अब बात करते हैं एनमैप की। तो यहाँ पे मैं इसकी आईपी दिखा देता हूँ आपको कि मेरी इस मशीन की आईपी क्या है। मैं यहाँ पे इफ कॉन्फिग कमांड को यूज में लूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। मेरी यहाँ पे आईपी 192.168.1.5। तो मैं यहाँ पे एन मैप 192.168.1.5, तो यहाँ पे पोर्ट स्कैन कर देगा कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे 23 पोर्ट पे टीसीपी पे ओपन पोर्ट है ये, और इस पे टेलनेट कॉन्फ़िग मतलब टेलनेट की सर्विस रन हो रही है। तो इससे कोई भी इतना पता लगने के बाद में कोई भी हैकर इस पे आसानी से अटैक कर सकता है। इसलिए हमें इसको टेलनेट की जगह और कोई नाम देना होगा, इसको सिक्योर टेलनेट में बदलना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेलनेट की फाइल को सिक्योर टेलनेट में बदलेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे उसकी फाइल। तो यहाँ पे मैं कमांड डालता हूँ सीपी ईटीसी जाइंटेड डॉट डी स्लैश टेलनेट। अभी ये यहाँ कहाँ पे कॉपी करनी है, स्लैश etc स्लैश जाइंटिटी डॉट डी, यहाँ एस टेलनेट, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो ये फाइल हमारी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये कॉपी हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा टेलनेट जो सर्विस रन हो रही थी ना, हम उसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, विम स्लैश etc स्लैश जाइंटिटी डॉट डी स्लैश टेलनेट, एंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको आई करके एडिट मोड में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम यस कर देंगे, यस, और इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी सर्विस बंद हो गई, और हम इसको सर्विस को रिस्टार्ट कर देते हैं। सर्विस जाइंटिटी रिस्टार्ट स्टेटस इस रनिंग बता रहा, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ इसको, एसटीओपी स्टॉप। और अब चेक करते हैं, तो स्टॉप्ड हो गया है ये पूरा। चलो, तो अब हम एक न्यू कॉन्फ़िग करते हैं फाइल को। तो हम न्यू कॉन्फ़िग कैसे करेंगे, हम एस टेलनेट वाली फाइल में चलेंगे, विम स्लैश etc सॉरी स्लैश जाइंटिड डॉट डी एस टेलनेट। ओके, एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे एडिट मोड के लिए आई प्रेस करेंगे, और अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो हम नो ही कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, टैब मारेंगे। यहाँ पे हमें एक पोर्ट ऐड करना है, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी पोर्ट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं, अपन यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, टेलनेट की जगह एस टेलनेट कर देंगे इसको। और अब यहाँ पे बाहर आते हैं पोर्ट नंबर डालने की, तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल देंगे, पोर्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 4444 ले लेता हूँ, और इसको सेव कर दूंगा। ओके, अब हम चलते हैं, सभी जो सर्विस होते हैं ना, उनके पोर्ट नंबर डिफाइंड होते हैं इसमें, तो हमें एस टेलनेट का भी एक पोर्ट डालना पड़ेगा। तो चलो, हम मैं आपको बताता हूँ कि हम अलग से एक सर्विस बनाते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसको हम अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर कैसे दे सकते हैं। तो आइए, चलो स्टार्ट करते हैं अपन फिर, विम etc सर्विस। तो हम यहाँ पे
अपने पोर्ट नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो टेलनेट ये रहा है यहाँ पे, तो चलो मैं इसके बाद में डाल देता हूँ अपना एक नंबर। मैं यहाँ पे डालूंगा एस टेलनेट, यहाँ पे 4444/, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीसीपी कर दूंगा मैं यहाँ पे टीसीपी, और यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा ताकि हमारे सिस्टम को पता चल जाए सिक्योर एस टेलनेट सर्वर। और यहाँ पे मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा। ओके तो अब इतना हो गया, अब हम इसकी सर्विस वगैरह को रिस्टार्ट कर देते हैं। सर्विस जाइंटेड जी स्टार्ट। ओके तो अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले तो एक अपन विंडो मशीन से अपनी सी चेक करेंगे यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं विंडो मशीन पे, हम एक बार इसको लॉगिन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, सीएमडी ओपन हो गया हमारा। यहाँ पे डालता हूँ टेलनेट 192.168.1.5444 यहाँ पे पोर्ट नंबर, और अब देखते हैं होता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रूट 123456 में पासवर्ड डाल देता हूँ मेरे। तो ये लॉग इन कर रहा है आराम से। तो चलो ये तो हो गई बात यहाँ की कि हमारा सर्वर अच्छे से काम कर रहा है टेलनेट। अब हम आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। अब हम उसे चेक कर लेते हैं पहले तो। हाँ यहाँ पे हमारी विंडो मशीन की आईपी आ गई है, यहाँ पे लॉग इन हो गई हमारी विंडो मशीन जो थी क्लाइंट। तो अब हम एनमैप से चेक करते हैं एनमैप की, अब हमें क्या शो कर रहा है एनमैप 192.168.1.5 और एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे और रिजल्ट देखते हैं हमारे क्या आता है। अब देख सकते हैं कहीं भी नहीं दिखा रहा कि हमारी टेलनेट की जो सर्विसेज होती है वो रन कर रही है। तो इस तरह से कोई भी हमारे टेलनेट सर्वर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब तक डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तब तक कोई अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पता होना जरूरी है कि यहाँ पे कौन सी सर्विसेज रन कर रही है तभी कोई अटैक कर सकता है। तो इस तरह से हम अपने टेलनेट सर्वर को सिक्योर बना सकते हैं। अगर आपको ये कुछ करने में दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा, और मैं आपको हिस्ट्री कमांड चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ दिक्कत हो तो आप वहां से देख लो कमांड्स को। तो ये हम इंस्टॉल, ये जो सेकंड कमांड है सेकंड लाइन, ये तो हमने यम को इंस्टॉल किया था, ठीक है। फिर ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था, इफ कॉन्फिग से मैंने आईपी चेक की थी, एनमैप के थ्रू मैंने अपने ओपन पोर्ट्स को चेक किया था, सीपी जो कमांड है इसके थ्रू मैंने टेलनेट को एस टेलनेट में चेंज किया था, मतलब कॉपी की थी इसकी फाइल की एस टेलनेट में। ओके फिर विम ईटीसी जाइंटेड टेलनेट में जाके मैंने अपने उसको ऑफ किया था, यानी कि टेलनेट सर्वर को ऑफ कर दिया था मैंने। ओके रीस्टार्ट की थी मैंने सर्विस को, फिर सर्विस को स्टॉप की थी, और फिर स्टेटस चेक करना आपको। तो आपको पहले तो 8 नंबर वाली कमांड यूज करनी है, फिर आपको 11 नंबर वाली कमांड यूज करनी है, और फिर 10 वाली को यूज करना है। ओके और अब मैंने 13 नंबर पे जो कमांड है 13 वाली, मैंने इससे एस टेलनेट फाइल कॉन्फिग फाइल को ओपन किया था, और फिर उसमें चेंजेस किए थे, जैसे कि पोर्ट नंबर डाला था मैंने और टेलनेट को एस टेलनेट में चेंज किया था और उसको इनेबल किया था। ओके और 14th वाली जो कमांड है इससे मैंने पोर्ट नंबर डाले थे, मैंने मतलब मैन्युअली कॉन्फिग किया ना सब कुछ, तो मैंने यहाँ पे एस टेलनेट की मतलब एंट्री की थी ताकि हमारे टेल जो रेड हैट मशीन है उसको पता लग जाए। तो अब 15 वाली कमांड पे आते हैं, इससे मैंने सर्विस को रीस्टार्ट किया था, जिससे कि एक बार हम कॉन्फिग कोई भी सर्विस को कॉन्फिग करते हैं ना, ये सर्विस जाइंटिटी रीस्टार्ट कमांड मारनी जरूरी होती है। ये तो मैंने टेलनेट के लिए मारी थी, और सबके लिए बाकी अलग अलग कमांड्स होती है, तो आप इसी कमांड को यूज ना लें हर किसी में। और फिर अपने एनमैप के थ्रू देखा था कि हाँ भी कौन कौन से पोर्ट ओपन है, तो हमारा रिजल्ट आया था कि हमें सिक्योर टेलनेट जो सर्वर वो शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।